ओम श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर सदगुरु साईनाथ महाराज की जय हो। प्रिय भाई बहनों, आज का अध्याय दूसरा। मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ, बाबा यह अध्याय सभी के चित्त में उतरे। जो लोग असमर्थ हैं पढ़ने में, उन्हें इस अध्याय से लाभ हो और इसका वो पुण्य लाभ कमाए। आइए आज का अध्याय दो, ग्रंथ लेखन का अध्याय। कार्यारंभ में असमर्थता और साहस, गर्मागर्म बहस, अर्थपूर्ण उपाधि, हेमाडपंत गुरु की आवश्यकता। गत अध्याय में ग्रंथकार ने अपने मौलिक ग्रंथ श्री साई सच्चरित्र मराठी भाषा में उन कारणों पर प्रकाश डाला था जिनके द्वारा उन्हें ग्रंथ रचना के कार्य को आरंभ करने की प्रेरणा मिली। अब वे ग्रंथ पठन के योग्य अधिकारियों तथा अन्य विषयों का इस अध्याय में विवेचन करते हैं। ग्रंथ लेखन का हेतु, किस प्रकार विषूचिका यानी हैजा के रोग के प्रकोप को आटा पिसवा कर तथा उसको ग्राम के बाहर फेंकवा कर रोका तथा उसको उन्मूलन किया। बाबा की इस लीला का प्रथम अध्याय में वर्णन किया जा चुका है। मैंने और भी लीलाएं सुनी जिनसे मेरे हृदय को अति आनंद हुआ और यही आनंद का स्रोत काव्य रूप में प्रकट हुआ। मैंने ये भी सोचा कि इस महान आश्चर्यजनक लीलाओं का वर्णन बाबा के भक्तों के लिए मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद सिद्ध होगा तथा उनके पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने बाबा की पवित्र जीवन गाथा और उनके मधुर उपदेशों का लेखन प्रारंभ कर दिया। श्री साईं की जीवनी ना तो उलझनपूर्ण है और ना ही संकीर्ण ही, वरन सत्य और आध्यात्मिक मार्ग का वास्तविक दिग्दर्शन कराती है। कार्य आरंभ करने में असमर्थता और साहस। श्री हेमाडपंत को यह विचार आया कि मैं इस कार्य के लिए उपयुक्त पात्र नहीं हूँ, मैं तो अपने परम मित्र की जीवनी से भी भली भांति परिचित नहीं हूँ और ना ही अपनी प्रकृति से। तब फिर मुझ सरीखा मूडमती भला एक महान संत पुरुष की जीवनी लिखने का दुस्साहस कैसे कर सकता है। अवतारों की प्रवृत्ति के वर्णन में वेद भी अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। किसी संत का चरित्र समझने के लिए स्वयं को पहले संत होना नितांत आवश्यक है, फिर मैं तो उनका गुणगान करने के सर्वथा अयोग्य ही हूँ। संत की जीवनी लिखने में एक महान साहस की आवश्यकता है और कहीं ऐसा ना हो कि चार लोगों के समक्ष हास्य का पात्र बनना पड़े। इसलिए श्री साईं बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। महाराष्ट्र के संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज का कथन है कि संत चरित्र के रचयिता से परमात्मा अति प्रसन्न होता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि साधु चरित्र शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र द्रोवा, वंदनीय जे ही जग जस पावा। भक्तों को भी संतों की सेवा करने की इच्छा बनी रहती है। संतों की कार्य पूर्ण करा लेने की प्रणाली भी विचित्र ही है। यथार्थ प्रेरणा तो संत ही किया करते हैं, भक्त तो निमित्त मात्र या कहिए कि कार्यपूर्ति के लिए एक यंत्र मात्र है। उदाहरणार्थ शक संख्या 1700 में कही कवि महीपति को संत चरित्र लेखन की प्रेरणा हुई। ईश्वर ने संतों में अंतः प्रेरणा पैदा की और कार्य पूर्ण हो गया। इसी प्रकार शक संख्या 1800 में श्री दास गुण की सेवा स्वीकार हुई। महीपति ने 4 काव्य रचे, भक्त विजय, संत विजय, भक्त लीलामृत और संत लीलामृत, और दासगुण ने केवल 2, भक्त लीलामृत और संत कथामृत, जिसमें आधुनिक संतों के चरित्र का वर्णन है। भक्त लीलामृत के अध्याय 31, 32 और 33 तथा संत कथामृत के 57वें अध्याय में श्री साईं बाबा की मधुर जीवनी तथा अमूल्य उपदेशों का वर्णन सुंदर एवं रोचक ढंग से किया गया है। इनका उद्धरण श्री साईलीला पत्रिका के अंक 11, 12 और 17 में दिया गया है। पाठकों से इनके पठन का अनुरोध है। इसी प्रकार श्री साईं बाबा की अद्भुत लीलाओं का वर्णन एक बहुत सुंदर छोटी सी पुस्तिका श्री साईनाथ भजनमाला में किया गया है।
इसकी रचना बांद्रा की श्रीमती सावित्रीबाई रघुनाथ तेंदुलकर ने की है। श्री दासगणु महाराज ने भी श्री साईं बाबा पर कई मधुर कविताओं की रचना की है। एक और भक्त अमीदास भवानी मेहता ने भी बाबा की कुछ कथाओं को गुजराती में प्रकाशित किया है। साईं प्रभा नामक पत्रिका में भी कुछ लीलाएं शिरडी के दक्षिणा भिक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जब श्री साईनाथ महाराज के जीवन पर प्रकाश डालने वाला इतना साहित्य उपलब्ध है, फिर और एक ग्रंथ साईं सचरित रचने की आवश्यकता ही कहाँ पैदा होती है। इसका उत्तर केवल यही है कि श्री साईं बाबा की जीवनी सागर के सदृश अगाध, विस्तृत और अथाह है। यदि उसमें गहरे गोते लगाए जाएं, तो ज्ञान एवं भक्ति रूपी अमूल्य रत्नों की सहज ही प्राप्ति हो सकती है, जिनसे मुमुक्षुओं को बहुत लाभ होगा। श्री साईं बाबा की जीवनी उनके दृष्टांत एवं उपदेश महान आश्चर्य से परिपूर्ण है। दुख और दुर्भाग्यग्रस्त मानवों को इनसे शांति और सुख प्राप्त होगा तथा लोक व परलोक में श्रेयस की प्राप्ति होगी। यदि श्री साईं बाबा के उपदेशों का, जो कि वैदिक शिक्षा के समान ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद है, ध्यानपूर्वक श्रवण एवं मनन किया जाए, तो भक्तों को अपने मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात ब्रह्म से अभिन्नता, अष्टांग योग की सिद्धि और समाधि, आनंद आदि की प्राप्ति सरलता से हो जाएगी। यह सोचकर ही मैंने चरित्र की कथाओं को संकलित करना प्रारंभ कर दिया। साथ ही यह विचार भी आया कि मेरे लिए सबसे उत्तम साधना भी केवल यही है जो भोले भाले प्राणी श्री साईं बाबा के दर्शनों से अपने नेत्र सफल करने के सौभाग्य से वंचित रहे हैं, उन्हें यह चरित्र अति आनंददायक प्रतीत होगा। अंत मैंने भी अपना अहंकार उनके श्री चरणों में न्योछावर कर दिया। मैंने सोचा कि अब मेरा पथ अति सुगम हो गया है और बाबा मुझे इहलोक और परलोक में सुखी बना देंगे। मैं स्वयं बाबा की आज्ञा प्राप्त करने का साहस नहीं कर सकता था, अतः मैंने श्री माधवराव उपनाम श्यामा से, जो कि बाबा के अंतरंग भक्तों में से थे, इस हेतु प्रार्थना की। उन्होंने इस कार्य के निमित्त श्री साईं बाबा से विनम्र शब्दों में इस प्रकार प्रार्थना की, ये अण्णा साहेब आपकी जीवनी लिखने के लिए अति उत्सुक हैं, परंतु आप कृपया ऐसा ना कहना कि मैं तो एक फकीर हूँ तथा मेरी जीवनी लिखने की आवश्यकता ही क्या है। आपकी केवल कृपा और अनुमति से ही ये लिख सकेंगे, अथवा आपके श्री चरणों का पुण्य प्रताप ही इस कार्य को सफल बना देगा। आपकी अनुमति तथा आशीर्वाद के अभाव में कोई भी कार्य यशस्वी नहीं हो सकता। यह प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई। उन्हें आश्वासन और उदी देकर अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर रखा और कहने लगे, इन्हें जीवनी और दृष्टांतों को एकत्रित कर लिपिबद्ध करने दो, मैं इनकी सहायता करूँगा। मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूँगा, परंतु इनको अपना अहम त्याग कर मेरी शरण में आना चाहिए। जो अपने जीवन में इस प्रकार आचरण करता है, उसकी मैं अत्यधिक सहायता करता हूँ। मेरी जीवन कथाओं की बात तो सहज है, मैं तो इन्हें घर बैठे अनेक प्रकार से सहायता पहुँचाता हूँ। जब इनका अहम पूर्णता नष्ट हो जाएगा और खोजने पर लेश मात्र भी ना मिलेगा, तब मैं इनके अंतःकरण में प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूंगा। मेरे चरित्र और उपदेशों के स्मरण मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सरलता पूर्वक आत्म अनुभूति एवं परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ग्रंथ में अपने मत का प्रतिपादन और दूसरों का खंडन तथा अन्य किसी विषय के पक्ष या विपक्ष में व्यर्थ के वाद विवाद की कुचेष्टा नहीं होनी चाहिए। अर्थपूर्ण उपाधि हेमाड बंद वाद विवाद शब्दों से हमको स्मरण हो आया है कि अपने पाठकों को वचन दिया है कि हेमाड पंथ उपाधि किस प्रकार प्राप्त हुई, इसका वर्णन करूँगा। अब मैं उसका वर्णन करता हूँ। श्री काका साहेब दीक्षित व नाना साहब चांदोरकर मेरे अति घनिष्ठ मित्रों में से थे। उन्होंने मुझे शिरडी जाकर श्री साईं बाबा के दर्शनों का लाभ उठाने का अनुरोध किया। मैंने उन्हें वचन दिया, परंतु कुछ बाधा आ जाने के कारण मेरी शिरडी यात्रा स्थगित हो गई। मेरे एक घनिष्ठ मित्र का पुत्र लोनावाला में रोगग्रस्त हो गया था। उन्होंने सभी संभव आदि भौतिक और आध्यात्मिक उपचार किए, परंतु सभी प्रयत्न निष्फल हुए और ज्वर किसी प्रकार भी कम ना हुआ। अंत में उन्होंने अपने गुरुदेव को उसके सिरहलाने बिठलाया
परंतु परिणाम पूर्ववत ही हुआ। यह घटना देखकर मुझे विचार आया कि जब गुरु एक बालक के प्राणों की भी रक्षा करने में असमर्थ है तब उनकी उपयोगिता ही क्या है, और जब उनमें कोई सामर्थ्य ही नहीं तब फिर शिरडी जाने से क्या प्रयोजन। ऐसा सोचकर मैंने यात्रा स्थगित कर दी, परंतु जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, और इस प्रकार हुआ। प्रांताधिकारी नाना साहब चांदोरकर बसई के दौरे पर जा रहे थे। वे ठाणा से दादर पहुंचे तथा बसई जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय बांद्रा लोकल आ पहुंची, जिसमें बैठकर वे बांद्रा पहुंचे तथा शिरडी यात्रा स्थगित करने के लिए मुझे आड़ हाथों लिया। नाना साहब का तर्क मुझे उचित तथा सुखदायी प्रतीत हुआ, और इसके फलस्वरूप मैंने उसी रात्रि शिरडी जाने का निश्चय किया और अपना सामान बांधकर शिरडी को प्रस्थान कर दिया। मैंने सीधा दादर जाकर वहां से मनमाड की गाड़ी पकड़ने का कार्यक्रम बनाया। इस निश्चय के अनुसार मैंने दादर जाने वाली गाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी छूटने ही वाली थी कि इतने में एक यवन मेरे डिब्बे में आया और मेरा सामान देखकर मुझसे मेरा गंतव्य स्थान पूछने लगा। मैंने अपना कार्यक्रम उसे बतला दिया। उसने मुझसे कहा कि मनमाड की गाड़ी दादर पर खड़ी नहीं होती, इसलिए सीधे बोरी बंदर से होकर जाओ। यदि यह एक साधारण सी घटना घटित ना हुई होती तो मैं अपने कार्यक्रम के अनुसार दूसरे दिन शिरडी ना पहुंच सकने के कारण अनेक प्रकार की शंका कुशंकाओं से घिर जाता, परंतु ऐसा घटना ना था। भाग्य ने साथ दिया और दूसरे दिन 9:10 के पूर्व ही मैं शिरडी पहुंच गया। यह सन 1910 की बात है, जब प्रवासी भक्तों के ठहरने के लिए साठेवाड़ा ही एकमात्र स्थान था। तांगे से उतरने पर मैं साईं बाबा के दर्शन के लिए बड़ा ललायत था। उसी समय भक्त प्रवर श्री तात्या साहब नूलकर मस्जिद से लौटे ही थे। उन्होंने बताया कि इस समय श्री साईं बाबा मस्जिद के मोड़ पर ही हैं, अभी केवल उनका प्रारंभिक दर्शन ही कर लो और फिर स्नानादि से निवृत्त होने के पश्चात सुविधा से भेंट करने जाना। यह सुनते ही मैं दौड़कर गया और बाबा की चरण वंदना की। मेरी प्रसन्नता का पारावार ना रहा। मुझे क्या मिल गया था, मेरा शरीर प्रफुल्लित सा हो गया। क्षुधा और तृषा की सुधि जाती रही। जिस क्षण से उनके भव विनाशक चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, मेरे जीवन में एक नूतन आनंद प्रवाह बहने लगा। मैं उनका सदैव के लिए ऋणी हो गया। उनका यह उपकार मैं कभी ना भूल सकूँगा। मैं सदा उनका स्मरण उनके मानसिक प्रणाम किया करता हूँ मैं सदा उनका स्मरण कर उन्हें मानसिक प्रणाम किया करता हूँ। जैसा कि मेरे अनुभव में आया कि साईं के दर्शन में ही यह विशेषता है कि विचार परिवर्तन तथा पिछले कर्मों का प्रभाव शीघ्र मंद पड़ने लगता है और शनि शनि अनासक्ति और सांसारिक भोगों से वैराग्य बढ़ता जाता है। केवल गत जन्मों के अनेक शुभ संस्कार एकत्रित होने पर ही ऐसा दर्शन प्राप्त होना सुलभ हो सकता है। पाठकों, मैं आपसे शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यदि आप श्री साईं बाबा को एक दृष्टि भर कर देख लेंगे तो आपको संपूर्ण विश्व ही साईंमय दिखलाई पड़ेगा। गर्मा गर्म बहस। शिरडी पहुंचने के प्रथम दिन ही बाला साहेब तथा मेरे बीच गुरु की आवश्यकता पर वाद विवाद छिड़ गया। मेरा मत था कि स्वतंत्रता त्याग कर पराधीन क्यों होना, तथा जब कर्म ही करना पड़ता है तब गुरु की आवश्यकता ही कहाँ रही। प्रत्येक को पूर्ण प्रयत्न कर स्वयं को आगे बढ़ाना चाहिए। गुरु शिष्य के लिए करता ही क्या है, वह तो सुख से निद्रा का आनंद लेता है। इस प्रकार मैंने स्वतंत्रता का पक्ष लिया और बाला साहब ने प्रारब्ध का। उन्होंने कहा कि जो विधि लिखित है वह घटित होकर रहेगा। इसमें उच्च कोटि के महापुरुष भी असफल हो गए हैं। कहावत है, मेरे मन कुछ और है, विधाता के कुछ और। फिर परामर्शयुक्त शब्दों में बोले, भाई साहेब, यह निरीविद्धता छोड़ दो, यह अहंकार तुम्हारी कुछ भी सहायता ना कर सकेगा। इस प्रकार दोनों पक्षों के खंडन मंडन में लगभग 1 घंटा व्यतीत हो गया और सदैव की भांति कोई निष्कर्ष ना निकल सका, इसलिए तंग और विवश होकर विवाद स्थगित करना पड़ा। इसका परिणाम ये हुआ कि मेरी मानसिक शांति भंग हो गई तथा मुझे अनुभव हुआ कि जब तक घोर दैहिक बुद्धि और अहंकार ना हो तब तक विवाद संभव नहीं। वस्तुतः यह अहंकार ही विवाद की जड़ है। जब अन्य लोगों के साथ मैं मस्जिद गया तब बाबा ने काका साहब को संबोधित कर प्रश्न किया कि साठेवाड़ा में क्या चल रहा था, किस विषय में विवाद था। फिर मेरी और दृष्टिपात कर बोले कि इन हिमाडपंत ने
क्या कहा? यह शब्द सुनकर मुझे अधिक अचंभा हुआ। साठेवाड़ा और मस्जिद में पर्याप्त अंतर था। सर्वज्ञ या अंतर्यामी हुए बिना बाबा को विवाद का ज्ञान कैसे हो सकता था? मैं सोचने लगा कि बाबा हेमाडपंत के नाम से मुझे क्यों संबोधित करते हैं। यह शब्द तो हेमाद्रिपंत का अपभ्रंश है। हेमाद्रिपंत देवगिरी के यादव राजवंशी महाराजा महादेव और रामदेव के विख्यात मंत्री थे। वे उच्चकोटि के विद्वान, उत्तम प्रकृति और चतुर्वर्ग चिंतामणि, जिसमें आध्यात्मिक विषयों का विवेचन है, और राज प्रशस्ति जैसे उत्तम काव्यों के रचयिता थे। उन्होंने ही हिसाब किताब रखने की नवीन प्रणाली का आविष्कार किया था और बही खाते की पद्धति को जन्म दिया था। और कहां मैं इसके विपरीत एक अज्ञानी, मूर्ख और मंदमति हूँ। अतः मेरी समझ में यह ना आ सका कि मुझे इस विषय उपाधि से विभूषित करने का क्या तात्पर्य है। गहन विचार करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कहीं मेरे अहंकार को चूर्ण करने के लिए ही तो बाबा ने इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया है, ताकि मैं भविष्य में सदैव के लिए निराभिमानी एवं विनम्र हो जाऊँ। अथवा कहीं यह मेरे वाक्चातुर्य के उपलक्ष में मेरी प्रशंसा तो नहीं है। भविष्य पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है बाबा के द्वारा हेमाडपंत की उपाधि से विभूषित करना कितना अर्थपूर्ण और भविष्य गोचर था। सर्वविदित है कि कालांतर में दाभोलकर ने श्री साईं बाबा संस्थान का प्रबंध कितने सुचारू एवं विद्वतापूर्ण ढंग से किया था। हिसाब किताब आदि कितने उत्तम प्रकार से रखे तथा साथ ही साथ महाकाव्य साई सचरित्र की रचना भी की। इस ग्रंथ में महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक विषयों जैसे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, शरणागति व आत्मनिवेदन आदि का समावेश है। गुरु की आवश्यकता। इस विषय में बाबा ने क्या उद्गार प्रकट किए, इस पर हेमाडपंत द्वारा लिखित कोई लेख या स्मृति पत्र प्राप्त नहीं है, परंतु काका साहेब दीक्षित ने इस विषय पर उनके लेख प्रकाशित किए हैं। बाबा से भेंट करने के दिन दूसरे दिन हेमाडपंत और काका साहेब ने मस्जिद में जाकर घर लौटने की अनुमति मांगी। बाबा ने स्वीकृति दे दी। किसी ने प्रश्न किया, बाबा कहाँ जाएं? उत्तर मिला, ऊपर जाओ। प्रश्न, मार्ग कैसा है? बाबा ने कहा, अनेक पंथ हैं, यहाँ से भी एक मार्ग है, परंतु यह मार्ग दुर्गम है तथा सिंह और भेड़िए भी मिलते हैं। काका साहेब, यदि पथ प्रदर्शक भी साथ हो तो? तब बाबा ने कहा, तब कोई कष्ट ना होगा। पथ प्रदर्शक तुम्हारे सिंह, भेड़िए और खंदकों से रक्षा कर तुम्हें सीधे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा, परंतु उसके अभाव में जंगल में मार्ग भूलने या गड्ढे में गिर जाने की संभावना है। दाभोलकर भी उपयुक्त प्रसंग के अवसर पर वहां उपस्थित थे। उन्होंने सोचा कि कुछ बाबा कह रहे हैं, वह गुरु की आवश्यकता क्यों है। इस प्रश्न का उत्तर है साइनीला भाग एक संख्या 5 व पृष्ठ 47 के अनुसार। उन्होंने सदा के लिए मन में ये गांठ बांध ली कि अब कभी इस विषय पर वाद विवाद नहीं करेंगे कि स्वतंत्र या परतंत्र व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों के लिए कैसा सिद्ध होगा। प्रत्युत इसके विपरीत यथार्थ में परमार्थ लाभ केवल गुरु के उपदेश पालन में ही निहित है। इन उपदेशों का वर्णन मूल काव्य ग्रंथ के इसी अध्याय में किया गया है, जिसमें लिखा है कि राम और कृष्ण महान अवतारी होते हुए भी आत्म अनुभूति के लिए राम को अपने गुरु वशिष्ठ और कृष्ण को अपने गुरु संदीपनी के शरण में जाना पड़ा था। इस मार्ग में उन्नति प्राप्त करने के लिए केवल श्रद्धा और धैर्य, यही दो गुण सहायक हैं। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु। शुभम भवतु। ओम साईराम।